हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंट तरीके से मैगी मसाला बनाएंगे। यह सबका बहुत ही फेवरेट डिश है। यह बहुत कम समय में बनके रेडी हो जाता है। मैगी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैगी चाहिए। सबसे पहले हम पानी गर्म कर लेते हैं। इसे हाई फ्लेम पे कर दें जैसे जल्दी से पानी बॉयल हो जाए। देखिए पानी बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। अगर आपको छोटी मैगी पसंद है तो आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं। मैगी बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। देखिए मैगी अलग अलग हो रहा है। ध्यान रहे इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। मिनिमम हमें 2 मिनट मैगी को पानी में बॉयल करना है। 2 मिनट हो जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम मैगी को छान लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, मैगी बनाते टाइम डालेंगे इसको। सामान देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज बारीक कटा हुआ, हरा मिर्च, भुट्टा, देखो इसे कॉर्न भी देते। इसके बाद हमने कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा लाल हो गया है। अब इसमें मिर्च डालेंगे, प्याज, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें भुट्टा डालेंगे, शिमला मिर्च, इसको हल्का सा भूनने के बाद टमाटर डालेंगे। भुट्टा ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो अच्छे टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 पिंच हल्दी डालेंगे। ज़्यादा हल्दी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैगी मसाला में रहता है। अब इसमें सब्जी मसाला थोड़ा सा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। शिमला मिर्च की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे ढक देंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ध्यान रहे इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए टमाटर हो गया है अच्छे से। अब हम मैगी वाला पानी डालेंगे। अगर आपको पानी वाली मैगी पसंद है तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे। पानी बॉयल होने लगे तो हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। देखिए पानी बॉयल होने लगा, हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। इसको अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैगी बनके रेडी हो गया है। आप इसे फैमिली में सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।